नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इसका जो गला है हमने तैयार कर दिया है, अब इस पर सिर्फ डिजाइन बनाना है। तो देखिए, गोल गला है तो हमने इसको तैयार कर लिया है। और देखिए, इसकी जो गले की जो चौड़ाई है तो डीप गले पर 2.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ पर 1 इंच से बढ़ा कर लेना है और गोल गला बनाकर तैयार कर लेना है राउंड नेक। तो देखिए, 1 इंच चौड़ाई इसकी ज़्यादा रखनी है, तो 1 इंच चौड़ाई ज़्यादा लेकर हमने इसे तैयार कर लिया है। इस पर डिजाइन बनाना है। अब देखिए, पट्टी कट करेंगे, तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और ये भी पट्टी इस तरह से। तो इस तरह देखिए, हमने और भी पट्टी कट कर ली है। अब इस तरह से देखिए, गले से नाप लेना है और नापने के बाद इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके नाप लेना है और थोड़ा सा इसे ज्यादा ही रखना है। तो इस तरह आप 1 या 1.5 इंच ज्यादा ही रखें। कम अगर कम ले लेंगे तो पट्टी छोटी हो जाएगी, ज्यादा ले लेंगे तो बाद में इससे जो ज्यादा होगी कट कर देना है। अब देखिए, इसको इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो देखिए, सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इसी कपड़े से डोरी बना कर लेना है। तो देखिए, डोरी बहुत पतली नहीं लेना है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटी ले लेना है, लगभग 2-2 इंच के कट कर लेना है। इसी तरह से सारी कट कर लेना है और देखिए, इस तरह से इसको लगाना है। तो इस तरह से इसको नहीं लगाना है, थोड़ा सा फैलाते हुए एक साइज की सारी डोरियों को पट्टी पर सेट कर लेना है। तो इसी तरह से पूरे पट्टी पर इसे लगा लेना है। तो इस तरह देखिए, पूरे पट्टी पर डोरियों को अच्छे से लगा लिया है। अब देखिए, इस तरह से इस पर पाइपिंग बना लेना है। इस तरह इसको पलटते हुए, इस तरह पाइपिंग बनाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, पाइपिंग बना दिया है। तो देखिए, इसको गले पर सेट करना है। तो इस तरह से इसको सेट कर देना है अच्छे से। तो देखिए, आप इसे इस तरह से अगर बनाते हैं तो बनाने में बहुत ही आसान है। और इसे आप इस तरह से बनाकर बी गले पर या सीधे पर भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं और बी गले पर भी इसे बना सकते हैं, चौकोर भी, चाहे जिस गले पर आप इसे इस डिजाइन को सेट कर सकते हैं। केवल पट्टी जो लेनी है वो और भी लेनी है। अब देखिए, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर एक डिजाइन को सेट कर देंगे पहले। उसके लिए देखिए, हमने रेड मोती भी ली है बिल्कुल मैचिंग की, तो आप गोल्डन मोती भी ले सकते हैं। तो कपड़े के मैचिंग के हिसाब से आप मोतियाँ ले सकते हैं। अब देखिए, एक मोती लेंगे और इस तरह से डिजाइन को सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, मोती पर और डिजाइन पर इस तरह से 3-4 सिलाइयाँ लगाकर इसे अच्छे से मजबूती से सेट कर देना है। तो एक डिजाइन यहाँ की सेट कर देंगे, उसके बाद साइड से एक एक डिजाइनों को मोती लगाकर सेट कर देंगे, उसके बाद एक साइड से सेट करना इसे शुरू कर देंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से लगा दिया है। अब देखिए, इस तरह से गले से मिलाते हुए एक डिजाइन पर यहाँ पर भी मोती लगाकर सेट कर देंगे। अब
अब देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह अच्छे से मिलाते हुए एक डिजाइन लगा देंगे, उसके बाद पूरे पर लगा लेना है। तो देखिए अच्छे से मिलाते हुए दोनों साइड में मोती लगाकर इसे सेट कर दिया है। उसके बाद पूरे डिजाइन को इसी तरह से मोतियां लगाकर सेट कर लेना है, या तो आप इसे एक साइड से भी अगर सेट करना शुरू करेंगे तो भी अच्छे से बैठेगी, और इस तरह से भी इसे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे डिजाइन पर लगा लेना है। तो इस तरह देखिए पूरे डिजाइन को अच्छे से सेट कर दिया है, डिजाइन बनके तैयार है। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।